Message TV. This is your channel. This is your channel. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-azim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim innad din 'indallahi al-islam wa qala ta'ala ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. आज के इस इजलास के बावकार सदर मुअज्जज उलमाए किराम दीनी भाइयों और बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों और पर्दे में बैठी मेरी बातों को सुन रही प्यारी माँ और बहनों, आज का ये इजलास अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात मुंबई की तरफ से मुनअक़िद हो रहा है और जैसा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब ने बताया कि इस अंजुमन के इस सफ़र का ये सातवां साल है और आपने बड़े बड़ों से इस मैदान में खिताब सुना और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उससे भरपूर इस्तेफादा किया है। अभी मौलाना ने इस अंजुमन का मकसद बताते हुए फरमाया कि इसका मकसद सुन्नत की हिफाजत और अजमत सहाबा का तहफ्फुज़ है। मेरे भाइयों, शरीयत इसी का नाम है। शरीयत अल्लाह के रसूल की सुन्नत से बाहर की कोई चीज़ नहीं है और सहाबा किराम की जिंदगी की जो तस्वीर थी और आप सहाबा की जो जिंदगी का आयना था, याद रखो, उससे बाहर शरीयत इस्लामी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि अंजुमन ने पहले दिन से जिस मकसद का ऐलान किया है आज तक उस मकसद पर वो कायम है और आज चाहे तहफ्फुज़ शरीयत हो, चाहे मुल्क में उभरने वाला शरीयत के खिलाफ मसला हो, चाहे और भी कोई उनवान इससे जोड़ा जाए, मैं समझता हूं कि सबका रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से जाकर जुड़ता है और हम सब इसके पाबंद हैं और इस अज़्म और यकीन के साथ मुसलमान हैं कि हम उसी वक्त मुसलमान रह सकते हैं जब तक मेरी जिंदगी का रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से मरबूत रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस यकीन पर जमने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। हाजरीन किराम, आप सब जानते हैं कि बहैसियत मुसलमान एक अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मोमिन के लिए इस रूए जमीन पर इस्लाम और ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती है और हमारे लिए यही वो नेमत है जिस नेमत की भीख हमने अल्लाह से मांगी है और रोजाना पांच नमाज की हर एक रकत में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ करके उस रब्बे करीम से इसी हिदायत और ईमान की भीख हम मांगते हैं। लोगों, ये भीख और ये हिदायत की दौलत और नेमत हमारे अपने जिस्म के एक एक टुकड़े, हमारी औलाद, हमारे घर और हमारी जिंदगी के एक एक सरमाए से ज्यादा कीमती है और हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमने कलमे इस्लाम को अपनी पसंद से कबूल किया, किसी मजबूरी में हमने कबूल नहीं किया है और जिन लोगों ने इस्लाम को किसी मजबूरी की वजह से, किसी दबाव की वजह से, किसी दिखावे की वजह से कबूल किया, इस्लाम को ऐसा इस्लाम पसंद नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हजारों रास्ते खुले हैं, वो उन रास्तों और डगर को पकड़ के ईमान से अपना रिश्ता तोड़ ले, लेकिन इस्लाम की बदनामी का जरिया इस जमीन पर न बने। इस्लाम उसी को पसंद करता जिन्होंने पसंद की हैसियत से इस्लाम को कबूल किया है और जो मर्द मोमिन इस्लाम को अपनी पसंद का मजहब समझकर कबूल किया और उससे जिंदगी का रिश्ता जोड़ा, याद रखो अल्लाह ऐलान करता कि उसने खुदा के हाथ पर एक अहद किया है
और वो हद क्या है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, के जिसने कलमा ला इलाहा पढ़ा, इस्लाम की चौखट पे अपनी गर्दन को झुकाया, उसने गोया अल्लाह के साथ मुआहदा किया कि ऐ रब्बे करीम, हम अपनी गर्दन तेरी चौखट पे डालते हैं, अपनी जिंदगी का सरमाया तेरे कदमों पे रखते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि हमें सिर्फ तेरी प्यारी जन्नत चाहिए, हम सब कुछ कुर्बान दे सकते हैं लेकिन तेरी जन्नत का सौदा किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। लोगों, जो मर्द मोमिन अपनी जान को तज कर, अपने सरमाए को इस्लाम की कदमों पे डालकर उसने अल्लाह से जन्नत का सौदा किया, आप ईमानदारी से बताओ कि अगर जिंदगी के किसी मरहले में उस मर्द मोमिन के सामने इस इस्लाम के तहफ्फुज का, उसके दौलत हिदायत के तहफ्फुज का, उसके ईमान के सरमाए का तहफ्फुज का सवाल पैदा होगा, तो क्या उस जन्नत की हिफाजत के लिए अल्लाह के सामने अपने आप को एक सच्चा मोमिन साबित करने के लिए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा पैरोकार कहलाने के लिए क्या जिंदगी के हर सरमाए को वो अल्लाह और दीन के नाम पे कुर्बान कर सकता है या नहीं कर सकता? अरे कर सकता है कि नहीं कर सकता? आज ईमानदारी से बताइए कि हम इसी अज़्म को लेकर इस मैदान में जमा हुए और अल्लाह के सामने रात के इस पहर में इस वादे को दोहराते हैं कि ऐ रब्बे करीम, हम थोड़ी देर के लिए इस वादे को भूले जरूर थे लेकिन इस वादे से मुकरे नहीं है। ए अल्लाह, हम इसका ऐलान करते हैं कि ये दीन और ईमान हमें जिंदगी के एक एक कतरे खून से ज्यादा अजीज है। ए अल्लाह, जिंदगी की एक एक दौलत से ज्यादा प्यारी है। ए रब्बे करीब, हम जिस वक्त जरूरत होगी और जैसी पुकार बुलंद होगी हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन जन्नत को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, शरीयत को अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे और ईमान जैसी अजीम दौलत पर कभी कोई हर्फ आने नहीं देंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, हम तैयार है कि नहीं? अल्लाह हम सबको मजबूत जज्बा नसीब करे। लोगों, ये वही ईमान है जिसके लिए हमारे पैगंबर ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे, ये वही ईमान की दौलत है जिसके लिए शेर अभी तालिम में जबान मुबारक ने याद रखो पत्ते चबाए थे, ये वही ईमान और दीन है जिसके लिए अल्लाह के पैगंबर ने अपने घर को त्याग दिया था, ये वही ईमान की दौलत है जिसके लिए सुमैया जैसी खातून ने अपने सीने पर बर्छे खाए थे, ये वही ईमान की दौलत है जिसके लिए हजारों नहीं लाखों मर्दान हक ने अल्लाह के राह में जामे शहादत नोश किया है, ये वही दीन हक है जिसके लिए इस कौम ने हजारों बीवियों के सुहाग को लुटाया है, ये वही दीन है जिसके लिए मर्दान हक ने अपने लाखों नौजवानों की कुर्बानी जमीन पर कबूल की है लेकिन सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन ईमान के सरमाए को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। अगर ये सच है और ये मेरी तारीख है तो क्या अगर आज के हालात में हमारे सामने शरीयत के तहफ्फुज का सवाल पैदा हो तो क्या उसी तरह अपने सारे सरमाए हयात को अपने हथेली पर रखकर बोलो इंशाअल्लाह हम शरीयत की तहफ्फुज के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और मेरे भाई, शरीयत के तहफ्फुज का मसला यह नहीं कि कोई कुरान पाक की आयत को हमसे छीने, शरीयत का मसला यह नहीं कि कोई मस्जिद के मीनारे को तोड़े, शरीयत का सवाल यह नहीं कि कोई कुरान की आयत को उसके पन्ने से निकाले। दुनिया में जो मुसलमान ईमान के साथ और कुरान के साथ जीता है उसके लिए फर्ज तो बड़ी बात है, वाजिब तो बहुत बड़ी चीज है, सुन्नत का मकाम तो बहुत ऊंचा है, वो तो इस शान के साथ जीना चाहता कि किसी रसूलुल्लाह के मुस्तहब के ऊपर भी वो किसी की उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हम जिएंगे तो कुरान पाक की सिर्फ आयतों नहीं बल्कि उसके नुक्ते के साथ जिएंगे। और मेरा ये फैसला है कि जिस तरह मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती वैसे ही कोई मर्द मोमिन अपने ईमान और कुरान के बगैर जिंदगी को कबूल नहीं कर सकता।
करता है। और जिस दिन ये शऊर और ये जज्बा इस्लामी और जज्बा ईमानी आपके जिंदगी में आएगा, हमारे लिए तहफ्फुज़ शरीयत का काम आसान होगा। आप कहेंगे ये जोश की बात है और हमारा ईमान इतना ताकतवर बनाया जाए कि हम अपने शरीयत की हिफाजत करें। आप ईमानदारी से बताइए कि जिस सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, जिस उमर फारूक ने, जिस उस्मान गनी ने, जिस अली मुर्तजा ने उस जनाब रसूलुल्लाह सल्लम के साये में इस दीन और शरीयत को सीखा था, क्या उनके सीने में अपने दीन और ईमान की हिफाजत का यही जज्बा था या नहीं था? लोगों, तारीख का वो दिन याद करो जब जनाब रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक खिलाफत पे अल्लाह ताला ने खिलाफत का ताज उनको पहनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा है और अपने मामूल के काम को शुरू कर चुके हैं। एक शख्स आपके सामने आता है और कहता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, हम जब ज़कात की वसूली करने के लिए गए तो जब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जाते थे तो लोग ज़कात में बकरियां देते थे तो उसके साथ रस्सियां भी देते थे, लेकिन आपके खिलाफत के जमाने में जब मैंने ज़कात की वसूली का सफर किया तो लोगों ने बकरियां तो दी है लेकिन रस्सियों का देना बंद कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस आने वाले शख्स के जुमले को सुना और आपका चेहरे मुबारक गुस्से से लाल हो गया। कहा कि उन्होंने रस्सियां रोक ली, कहा कि रोक ली। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ऐसे लोगों से मैं उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक कि वो अल्लाह के रसूल के जमाने के मुताबिक बकरियों के साथ रस्सियां भी देना शुरू न कर दे। सैयदना उमर फारूक को खबर हुई, दौड़े हुए आए, अपनी चादर घिसेटते हुए हाजिर हुए और जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आप तो अल्लाह के रसूल के जमाने में बड़े नर्म दिल थे लेकिन आज आपका यह फैसला तो बड़ा सख्त है कि मामूली रस्सी नहीं देने पर आपने उनसे लड़ने का और उस वक्त तक लड़ने का फैसला किया जब तक कि वो रस्सियां देना शुरू न कर दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि उमर, तुम भी तो अल्लाह के रसूल के जमाने में बड़े मजबूत थे लेकिन आपके जाने के बाद इतना कमजोर कैसे पड़ गए? ऐ उमर, याद रखो, मसला रस्सी का नहीं, मसला धागे का नहीं, बल्कि जनाबे रसूलुल्लाह के दीन के अंदर कटौती की शुरुआत का है। और जिन लोगों ने आज रस्सियां रोकी है, याद रखो, अगर उस रास्ते को बंद नहीं किया गया, इस सुराख पे अगर बंद नहीं डाला गया तो कल वो लोग बकरियों और ज़कात का इनकार करेंगे। इसलिए उमर या अबू बकर इस बात को तय कर चुका कि या तो रसूलुल्लाह का दीन जिंदा रहेगा या अबू बकर सिद्दीक जिंदा रहेगा, इसके अलावा कोई रास्ता अबू बकर सिद्दीक के लिए काबिले कबूल नहीं है। ए लोगों, बताओ, क्या उस बूढ़े जिसमें जिसके हाथ की झुर्री लटक गई थी, कमर झुकी हुई थी, 60 से ज्यादा उम्र छू चुकी थी लेकिन जिस नबी की शरीयत की मोहब्बत उनके रुआ रुआ में पैवस्त थी, जब अल्लाह के रसूल की शरीयत का सवाल पैदा हुआ तो बोलो उस बूढ़े जिस्म के अंदर जवान के खून ने गर्दिश किया कि नहीं किया? आज हमसे कोई कुरान की आयत मांगे, आज हमसे कोई सुन्नत का एक जुमला मांगे और इस बात को आसानी से हम कबूल कर ले कि मसला तो एक जुमले और एक आयत का है, जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बरमला ऐलान किया कि एक मामूली धागे की कटौती रसूलुल्लाह के दीन में बर्दाश्त नहीं होगी। बोलो मोमिनों, अगर उसी सिद्दीक से मेरा रिश्ता मिलता है तो क्या आज की तारीख में शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए हम सबका यही ऐलान होगा कि नहीं होगा? और मैं आप सबसे कहता हूं कि उस बूढ़े के उस जुमले को याद कीजिए जो इसी मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था। वो जुमला इस काबिल है कि सोने की रोशनाई से उसको लिखा जाए और हर दिल पर उसको नोट किया जाए। और इसी जुमले की बरकत से मेरे लिए शरीयत के तहफ्फुज़ का काम आसान होगा। कहा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कि उमर अयुन कसुद्दीन व आना है, क्या इस जमीन पर कोई जनाबे रसूलुल्लाह की शरीयत पे हाथ डालेगा और अबू बकर जिंदा रह के उसको देखेगा? ऐसा कभी अबू बकर के लिए काबिले कबूल नहीं हो सकता। आप भी कह
चाहिए अयुन कसुद्दी वाना है। क्या कोई शख्स दीन मोहम्मद से खिलवाड़ करेगा? क्या कुरानी आयत पर कोई उंगली डालेगा? कोई आयत कुरानी हमसे छीनने की जुरत करेगा और हम उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं। अगर 65 साल अबू बकर अपने नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए बेचैन हो सकता है, तो इस कौम का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक औरत और अबू बकर की मिसाल रखने वाला एक एक बूढ़ा मचल कर कहेगा कि हम सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कटौती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। और इनसे कहिए कि तौहीद की अमानत सीनों में है, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमान, नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। अगर आपका यह जज्बा रहा तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अल्लाह ताला आपके कदमों की बरकत से, आपके दस्तों बाजू के बरकत से इस जमीन पर शरीयत को तहफ्फुज अता करेगा। आज शरीयत के तहफ्फुज का सवाल पैदा हुआ है। क्या मतलब? शरीयत अंदेशे में है, शरीयत खतरे में है। हाँ, शरीयत पे हमला शुरू किया गया है, शरीयत पे हाथ डालने की कोशिश की गई है। आज मंसूबाबंद तरीके पर आज शरीयत को हमारे हाथ से छीकने का नापाक मंसूबा बना है। लेकिन क्या शरीयत पे खतरा एक तरफा है? लोगों, नहीं। आज शरीयत पे खतरा दो तरफा है। अगर एक तरफ सरकार और हुकूमत आज हमारे हाथों से इस शरीयत को छीनना चाहती, तो मैं आपको उस मंजिल पे ले जाऊंगा जहां मैं ये बताऊंगा कि एक तरफ अगर कसूर उसका है तो दूसरी तरफ हमने भी कहीं ठोकर खाकर अपनी शरीयत के तहफ्फुज में कोताही की है। इसलिए आज हम आपको दोनों रुख पर ले जाकर यह बात बताना चाहते कि अगर सच्चे वफादार इस्लाम हो तो तय करो कि हम अपने कुव्वत बाजू से, अपने अकल के नाखून से, अपने ईमानी ताकत से इंशाअल्लाह बाहर के फितने का भी मुकाबला करेंगे और घर को भी झांक कर देखेंगे। अगर शरीयत की रस्सी कहीं टूट रही है, अगर हमारे हाथ से शरीयत का डोर छूट रहा है, तो बोलो उसको मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? आज जो हुकूमत इख्तदार में है वो इतनी अक्सरियत के साथ आई कि आज नशा में उसको हक और ना हक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो सीढ़ी जिस पे चढ़कर वो गद्दी तक पहुंची है, आज उसने उस गद्दी के नशे में आज ये तय किया है कि इस जमीन पर कुछ ना कुछ करके उन लोगों को समझाने की कोशिश करनी है जिनके सामने हमने यकसा सिविल कोर्ट का एजेंडा पेश किया था। याद रखिए, लोग कहते हैं कि ये बात धोखे से आ गई है, लोग कहते हैं कि फला रास्ते से ये बात उठ गई है। मसला बात के उठने का नहीं, मसला बात के पैदा होने का नहीं, बल्कि इस वक्त जो हालात हैं और आपकी शरीयत पर जो हाथ डाला गया, ये मनसूबा बंद कोशिश है, ये वो एजेंडा है जिसको आज नहीं बल्कि 3 साल पहले तय किया गया और जिसको इस मुल्क में बार बार दोहराया गया और आज उसी प्लानिंग की बुनियाद पर आज हमारी शरीयत पर हाथ डालकर उसको छेड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है। यकसा सिविल कोड, एक ही किस्म का कानून पूरे मुल्क में लागू होगा, इनकी हिम्मत नहीं है और ये पूरी जुरत के साथ यकसा सिविल कोड की बात नहीं कर सकते। इनके पास ऐसी मजबूरी है कि वो बराह रास्त इस नारे को इस मुल्क में नहीं लगा सकते, लेकिन ये जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर, सब नहीं कर सकते, तो कुछ करके कम से कम जलती हुई आग को ठंडी करनी चाहिए। इसलिए इन्होंने उन्वान बनाया तलाक का, इन्होंने उन्वान बनाया शादी का एक से जायद, इन्होंने उन्वान बनाया हलाला का। ए लोगों, बताओ इनको तलाक से क्या तकलीफ हो रही है और इनके घर में शादी की वजह से कौन सा चूल्हा बुझ रहा है? लेकिन इन्होंने
پورے مجموعہ شریعت پر نہیں بلکہ اس کے بازو کو کاٹ کر ہماری شریعت کے بڑے حصے سے ہم کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں بتاؤ، اگر ہم پورے جسم کو کسی کو نہیں دے سکتے، اگر ہم اپنے سینے پر گولی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا کسی کو اپنا ہاتھ کاٹنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ جس طرح میرا سینہ اور سر عزیز ہے، ہمارے ہاتھ کی ایک ایک انگلی ہم کو عزیز ہے۔ اور آج طلاق کے نام پر اور اس نام پر اگر یہ کھیل کھیلا جاتا تو لوگوں، ہم پوری قوت ایمانی کے ساتھ کسی بھیک کے نام پر نہیں، بلکہ ہندوستان کے سمبیدان اور آئین نے جو حق ہم کو دیا ہے اس کی بنیاد پر جرت کے ساتھ اپنے حق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک حق کی آواز بلند کریں گے، حق کے لینے کی کوشش کریں گے جب تک کہ ہمارے جسم میں کسی حصے میں قطرہ خون باقی ہے۔ اور یہ میرا اعلان ہے، اور ہر مومن کی زبان پر یہی نعرہ ہے، اور انشاءاللہ موت تک یہی نعرہ رہے گا۔ آج یہ کہتا طلاق کو ختم کرو، پوچھا کیوں ختم کرو؟ کہتا ہے کہ مسلمان عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ ڈھونڈو کتنی عورتیں ہیں جن کو طلاق ملی ہے، اور پرسنٹیج طے کرو کہ کتنی مسلمان بیٹیاں آج طلاق کی وجہ سے تمہاری چوکھٹ پر بھیک مانگ رہی ہے، اور آج تم آخری اوتار ان بیٹیوں کا آنسو پوچھنے کے لیے زمین پہ آئے۔ آج 1.5% اور 2% مسلم بیٹی کا درد تمہارے سینے میں آیا، لیکن کیا وہ زکیہ جعفری جس کے پورے خاندان کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور آج 10 سال سے وہ بیٹی تمہاری چوکھٹ پر انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے، آج کیا اس مسلم بیٹی کا درد تمہارے سینے میں نہیں آیا؟ وہ عشرت جہاں جس کے خاندان کو انکاؤنٹر کر کے زمین پہ برباد کیا گیا، آج زمین پر تم سے انصاف کی بھیک مانتی، لیکن تمہارے آنکھ میں اس کے لیے کوئی آنسو نہیں آیا۔ اور چھوڑو ان بیٹیوں کو، آج اگر 1.5% اور 2% مسلم طلاق پانے والی بیٹی کا درد تمہارے سینے میں ہے، اور اس کی وجہ سے طلاق کے قانون سے تم کھلواڑ کرنا چاہتے ہو، تو ذرا اپنے ملک کی زمین پہ جھانکو۔ اس زمین پر اگر عورت کے حق کی بات تم کرتے ہو کہ اسلام میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ طلاق کی وجہ سے یہ کراہ رہی ہے، تو ذرا اس ہندوستان کی ڈائری کو کھولو اور دیکھو کہ یہ تو 1.5% ہے۔ اگر واقعتاً عورتوں کے آنسو تم پوچھنا چاہتے تو چاہے وہ عورت مسلمان کی ہو کہ غیر کی، بولو سب کا درد تمہارے سینے میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ لیکن ہندوستان کی سچائی کہتی کہ آج سال میں 1 کروڑ سے زیادہ بیٹیاں ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ماری جا رہی ہے۔ آج بتاؤ کہ ان بیٹیوں کی زندگی کا درد، ان کی زندگی کا تحفظ اور ان کے زندگی کے بچانے کی کوئی ترکیب آج تمہارے سینے میں نہیں، لیکن جس اسلام نے ماں کے پیٹ میں مرنے والی اور پیدا ہونے کے بعد زمین میں گرنے والی بیٹی کے زندگی کی حفاظت کا یقین دلایا، اور اس نے اعلان کیا خبردار کوئی مسلم سماج کا بیٹا اگر اپنے بچے کو ماں کے پیٹ میں مارتا یا پیدا ہونے کے بعد اس کا گلا دباتا ہے تو وہ شخص اللہ کے یہاں اتنا بڑا مجرم ہے کہ اگر وہ خدا کی عدالت میں حاضر ہوگا تو جب تک وہ اس اولاد کا انصاف نہیں چکائے گا اس مسلمان کا قدم خدا کی جنت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے اسلام نے ان بیٹیوں کی زندگی کی تحفظ کا انتظام کیا، آج تم نے ان کروڑوں بیٹیوں کے لیے زندگی کی حفاظت کی کوئی اسکیم نہیں بتائی، اور 1.5% کا درد تمہارے سینے میں آیا، بولو یہ اس زمین پر مگرمچھ کے آنسو ہے یا نہیں ہے؟ آج ان سے پوچھو کتنی بیٹیاں طلاق کی اخبار میں چھپتی ہے، لیکن بلا ناغا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ یوپی بہار اور ہندوستان کے کونے کونے میں کوئی ہندو مسلمان کی بیٹی آج تلک اور جہیز کے نام پر جلائی نہیں جا رہی ہے۔ آج کروڑوں بیٹیاں جو آگ میں چل رہی ہے، آج وہ تڑپ رہی ہے، آج وہ چل رہی ہے ظلم کی آگ میں، آج تک تم نے ان بیٹیوں کی زندگی کو بچانے اور اس کو آگ کے اس دہکتے ہوئے انگارے سے نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ آج کروڑوں کا کوئی
दर्द नहीं और 1.5% का दर्द तुम्हारे सीने में पैदा हुआ है। आज इनसे पूछिए और ये सवाल कीजिए कि ये मुस्लिम बेटियां जिनके नौजवानों को जो लाखों की तादाद में है, जिनके बेनौजवान शोहर को आज तुमने दहशतगर्दी के नाम पर उसके हाथ में हथकड़ियां डालकर आज जेल की सलाखों में डाला, आज 20-20 साल की मुद्दत गुजर गई, जवान बीवी रोते रोते उसके आंख के आंसू सूख गए, मां रोते रोते अंधी हो गई, आज तक तुमने उसका मुकदमा नहीं चलाया, आज तक तुमने उसको ट्रायल में नहीं भेजा, और जब भेजते हो तो 20 साल के बाद उसको बेकसूर साबित करते। बोलो ऐसे लाखों नौजवान जिनकी बेटियां और बीवियां आज अपने घर में ताप रही है, आज तक तुम्हारे सीने में उसके आंसू पोंछने की कोई तदबीर नहीं आई? बोलो अगर नहीं और ये 1.5% का दर्द पैदा हुआ तो बोलो ये सरासर मक्कारी और फरेब है या नहीं है? और मैं दर्द के साथ कहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से बोलो कि इसी बंबई की सरजमीन पर कितनी सारी बेटियां वो है जो इज्जत को बेचकर अपनी रोटी खा रही है। आज तुम अगर बोलते हो कि हम औरत की मर्यादा को बचाएंगे, औरत पे जुल्म होने नहीं देंगे, तो सड़कों के किनारे जो हमारी बेटियां समाज की आज इज्जत को बेचकर अपनी रोटी खा रही है, बताओ ये इस नारी के ऊपर जुल्म और अत्याचार है कि नहीं है? क्या कोई इज्जत बेचने पे मजबूर हो जाए और इज्जत बेचकर अपनी रोटी खाए और तुम उसको लाइसेंस देकर आज उसकी सिक्योरिटी दो और इस जमीन पर तुम औरत के मर्यादा की बात करो? ये बात कभी काबिले कबूल नहीं हो सकती। अगर हिम्मत है और मर्दानगी की ताकत तुम्हारे पास है तो इन करोड़ों बेटियों के लिए जो आज इज्जत बेचकर अपनी रोटी का इंतजाम करती है उनके आंसू पोंछो, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करो, उनको इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हौसला दो, तब समझेंगे कि औरत की मोहब्बत सच्ची तुम्हारे दिल में है और तुम सच्चाई के साथ इन औरत का आंसू पोंछना चाहते हो। बोलिए ये सच्चाई है कि नहीं है? आज कितनी सारी समाज की बेटियां हैं जो एडवर्टीज का जरिया बन रही है, आज वो नंगी होकर तस्वीरें खिंचवाती, आज साबुन के टिकिया पे, आज खैनी के पुरिया पे, आज उन औरतों को नंगा करके तुम हिंदुस्तान में बेचवाते हो और कहते हो कि हिंदुस्तान में नारी को सम्मान देते। अगर तुम्हारे नजदीक इस नारी का सम्मान यही है कि उसको एडवर्टीजमेंट का जरिया बनाया जाए, आज हजारों लाख में उसकी इज्जत का सौदा किया जाए, तो ऐसा सम्मान तुमको मुबारक हो और ऐसे सम्मान को एक मर्द मोमिन कभी कबूल नहीं कर सकता। आज हिम्मत है तो पाबंदी लगाओ कि हिंदुस्तान की कोई बेटी समाज में अपने को बेपर्दा करके अपनी आबरू को नहीं बेचेगी, वो इज्जतदार बनकर रोटी खाएगी और कभी ऐसे जुल्म के राह को इख्तियार नहीं करेगी। आज पूरे हिंदुस्तान के नेट पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आज समाज की बेटियां अपनी इज्जत को नंगा करके आज लोगों की आंखों को सुकून दे रही है, आज लोगों के जज्बात को तस्कीन दे रही और इस नेट के सारे सिस्टम को जारी करके आज तुम ये चौधराहट करते हो कि इन बेटियां जिनके बदन से तुमने लिबास उतारा, जिनको नंगा करके तुमने इज्जत फरोशी पे मजबूर किया, आज जिनको नंगा करके तुमने तमाम इज्जतों की इस्मत पर दाग लगाया, आज अगर तुम्हारी नजर में इन औरतों की कीमत है तो बोलो ऐसे नेट कनेक्शन पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लोगों याद रखिए, आज जो कुछ किया जा रहा और जो कुछ कहा जा रहा, आज इस मसले को समझ ले और इसकी तह में उतर कर शरीयत के ताल्लुक से कुछ बेदार होने की जरूरत है। ये कहते हैं कि तलाक के कानून को खत्म करो। क्यों भाई? 1.5% औरतों को तलाक मिल रही है और तलाक की वजह से वो बेचैन है। आप इनसे पूछो कि तलाक पाने वाली कितनी है? 1.5% और तलाक से बचने वाली कितनी है? 98.5%। तो आज किसी समाज में अगर 1.5% को कैंसर हो जाए तो क्या उसकी वजह से सारे समाज का सर कत्ल कर दिया जाएगा? अरे उन्होंने नाक में खुजली होगी तो इलाज करेगा कि नहीं, मर्डर कर लिया जाएगा? आज हमने इनसे कहा कि सुनो, अगर 1.5% खराबी है हम उसका सर्वे कराते हैं, हम जायजा लेंगे
जहां जहां सुराख हम उसको बंद करेंगे, लेकिन कौन सा हिंदुस्तान का शोभा है जहां 2-3% नहीं बल्कि 30% करप्शन नहीं है? और अगर है तो बताओ उस शोभे को बंद करोगे, बताओ वहां से लाइसेंस छीनोगे, और बताओ उस कानून को खत्म करने की बात करोगे? इनकी हिम्मत नहीं है, इनका हाथ तो वहां उठता है जहां इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला नजर आता। आप ईमानदारी से बताओ कि अगर 1.5% की बुनियाद पर 98.5% के जज्बात को ठेस पहुंचाया जाता तो क्या इससे बढ़कर अत्याचार हो सकता है? क्या इससे बढ़कर जुल्म हो सकता? और क्या इससे बढ़कर कानून का अपहरण हो सकता? नहीं हो सकता है। और मेरे भाई कहता है कि तलाक से औरत को तकलीफ होती है इसलिए खत्म करते। कल कहोगे कि खतना से बच्चा को तकलीफ होती है, बड़ा चिल्लाता रहता है, अरे बोलो इसको भी खत्म कर दो। तो क्या तुम्हारे इस तकलीफ की वजह से सारे मामलात शरीयत से तोड़ लिए जाए? क्या ये बात जो ये कह रहे हैं आप ईमानदारी से बताओ कि काबिले कबूल है? खुदा की कसम नहीं है। और इनसे हमने कहा कि लोग कहते हैं कि बाप से बैरी और से नाता, याद रखिए 1.5% बेटी की मोहब्बत है, लेकिन 25 करोड़ मुसलमानों का कोई दर्द तुम्हारे सीने में नहीं है। तो अगर 1.5% को तुमने इंसाफ दिया और इस जमीन पे जीने वाले 24.5 करोड़ और 23.5 करोड़ मुसलमान को तुमने बेचैन किया तो क्या हिंदुस्तान समाज में इंसाफ आ जाएगा? अरे बोलो ना, आ जाएगा? नहीं आएगा। 1.5% का आंसू पोंछो और 25 करोड़ को दहशतगर्दी के नाम पे तड़पाओ, क्या ये ईमानदारी की बात है? आज 1.5% का आंसू पोंछो और घर वापसी के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर, नौ जिहाद के नाम पर इनको दरख्तों में लटका कर इनकी जान की होली खेलो, क्या बोलो ये मोहब्बत की पहचान है? आज अगर ये 25 करोड़ मुसलमान और इस मुल्क में जीने वाला ये कौम अगर तुमने सबके साथ इंसाफ नहीं किया और 1.5% का तुमने नारा लगाया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ के नाम पर इस कौम के साथ जुल्म और अत्याचार है। इसलिए ये जुल्म और अत्याचार काबिले कबूल नहीं हो सकता। और हमारा नारा कि हम तलाक जो कुरान ने बताया उसके साथ जिएंगे और शादी का जो वसूल अल्लाह ने दिया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, बोलो ये मेरा नारा कानूनी है कि गैर कानूनी है? अरे कानूनी है कि नहीं है? हमने कहा कि इस कौम ने तुम्हारे उस वक्त में जब अंग्रेजों ने इस मुल्क पर अपना चंगुल डाला, शाने से शाना मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस मुल्क में तुम्हारा साथ दिया और इस मुल्क पर आजादी का सूरज उगाया, लेकिन वो कानून जिसको अंग्रेजों ने भी नहीं छेड़ा और अंग्रेज जैसे जालिमों ने भी उस पर हाथ नहीं डाला, आजादी का सूरज तुलु होने के बाद जिसके लिए एक एक मुसलमान ने अपनी सलाहियत के मुताबिक आखिरी खतरे खून कुर्बान किया, आज बोलो जिस कानून को अंग्रेजों ने नहीं छुआ अगर आजाद हिंदुस्तान में उस कानून को छेड़ा जाता तो क्या अंग्रेज से बढ़कर जुल्म का तस्वीर हिंदुस्तान में उभरेगा कि नहीं उभरेगा? आज बोलो ये निकाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, जो 17 मसाइल परसनल्लाह के जेल में आते हैं अंग्रेजों ने शरीयत अप्लीकेशन एक्ट के नाम पर उसको तहफ्फुज दिया और अंग्रेजों ने उसकी हिफाजत की और आज आजादी का सूरज तुलु होने के बाद और हिंदुस्तान का ऐसा संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में हिंदुस्तान में बना और जिसका आर्टिकल 25 इस मुल्क में बसने वाले एक एक नागरिक को इस बात का हक देता कि हर मुल्क का नागरिक अपने मजहब को मानेगा, अपने मजहब पर चलेगा, अपने मजहब का प्रचार प्रसार करेगा, बोलो जो हिंदुस्तान का दस्तूर आज मजहबी आजादी का हक देता अगर आज उसको छीना जाए तो बताओ कि इससे बढ़कर इस जमीन पर क्या जुल्म हो सकता है? ए लोगों बताओ, मैं कहता हूं और पूरी कुव्वत के साथ कहता कि मसला सिर्फ हमारे हक का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के संविधान
संविधान के बचाने का भी है। आज तुम इख्तदार के नशे में, आज तुम उस गुरूर में जो आज तुमको हासिल हुआ, आज तुम हिंदुस्तान के इस संविधान को छेड़कर आज एक कम्युनिटी के हक को छीनना चाहते। याद रखो, मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वो नागरिक जो इंसाफ को पसंद करते हैं, किसी कीमत पर तुमको इसका इख्तियार नहीं दे सकते। और मैं समझता हूं कि आज दलित भी आगे हैं, सिख बिरादरी के लोग आगे हैं, हिंदू बिरादरी के इंसाफ पसंद लोग करोड़ों की तादाद में इस बात के लिए इकट्ठा है कि ये जुल्म है, हिंदुस्तान के दस्तूर के साथ खिलवाड़ है और किसी कीमत पर हुकूमत को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। बोलो, जो हक हमको हासिल है आज उस हक को छीना जाए तो क्या हम इसको कबूल करेंगे? आप इनसे पूछिए और इनकी अकल का इम्तिहान लीजिए कि आज 1.5% औरत के हक की बात करता और 25 करोड़ मुसलमान के हक का जो मसला है आज बोलो उसको नजरअंदाज करता, क्या कोई इसको इंसाफ का कानून कहेगा? अरे सबसे पहले तो मेरा हक बचाओ कि जिस तरह दूसरी कम्युनिटी के लोगों को आज इस मुल्क में अपने हक के साथ जीने का हक है, मजहब पे चलने की आजादी है और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और मुस्लिम पर्सनल के नाम पर जो मजहबी कवायद पर जीने का हमें हक दिया गया, आज उस हक की हिफाजत तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। और उस हक को छीन कर अगर 1.5% बेटियों की हक की बात करोगे, याद रखो ये शरीयत पर हमला है, ये 25 करोड़ मुसलमान को बेचैन करने के बराबर है और खुदा की कसम इस जुल्म को इस मुल्क का मुसलमान कबूल नहीं कर सकता है। बोलिए इंशाल्लाह आपका ये जज्बा होगा कि नहीं होगा? और हम लोगों ने कहा कि तलाक से क्यों डर लगता है आपको? कहता है कि 3 तलाक को खत्म करना चाहते, 3 तलाक से इसको बड़ी घबराहट होती है, इसलिए कि 3 तलाक इसको मिल चुकी है और ये जानता है कि उसके बाद हलाला का नंबर आता है और अगर इसको खत्म नहीं किया तो फिर हमको भी हलाला में जाना पड़ सकता है। अरे इनको बिहार ने तलाक दिया कि नहीं दिया? अरे दिया कि नहीं? दिल्ली ने दिया कि नहीं दिया? अरे दिया कि नहीं दिया? और अभी इलेक्शन जो हुआ कहां? बंगाल में, तो तलाक मिली कि नहीं मिली? तो 3 तलाक मुगल्लजा इनको मिल चुकी है। अब ये सोचते हैं कि इस कानून को खत्म नहीं किया तो फिर हमको भी हलाला में जाना पड़ेगा और उसके बगैर इनकी वापसी नहीं हो सकती, इसीलिए इनकी छुरी 3 तलाक पे चल रही है। मसला 3 तलाक का नहीं है, मसला तलाक के छेड़ने का नहीं है, मसला मुस्लिम पर्सनल के साथ खिलवाड़ करने का है, मसला यकसा सिविल कोर्ट के रास्ते को हमवार करने का है और ये अपनी उंगली बढ़ाकर अपना बाजू वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इसके लिए मुसलमानों के दिल पर चोट पहुंचाकर उनकी शरीयत को मजरूह करना इनके लिए आसान हो जाए। इसलिए हमें इस साजिश को समझना है और पूरी कुव्वत ईमानी के साथ इसका जायजा लेना है। ये कहते हैं कि तलाक बहुत बुरी चीज है, क्या हम उसको सवाब का काम समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो, ने समझ रहे? नहीं समझ रहे। हमने कहा कि सुनिए, अगर तलाक बुरी चीज है तो जरा हिंदू कोड बिल को निकालो, जरा ईसाई के कानून तलाक को निकालो। इस्लाम से पहले किसी मजहब में तलाक का कानून नहीं था, लेकिन अगर ये इतना गलत था तो 1954 और 1956 में स्पेशल कोड लागू करके हिंदू कोड बिल में तलाक को दाखिल किया गया। अगर तलाक ऐसी गंदी चीज थी तो हिंदू कोड बिल को इससे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? लेकिन नहीं, इन्होंने स्पेशल बेंच बैठाकर और हिंदू कोड बिल में इस तलाक के कानून को दाखिल किया। आज इन ईसाइयों से पूछो कि आज अगर तलाक इतनी नापसंदीदा चीज थी तो हमने कैसे इस्लाम से रोशनी लेकर अपनी शरीयत में और अपने कानून के अंदर तलाक के कानून को दाखिल किया? कल तक ये पसंद था और आज नापसंद हुआ, तो बोलो इस तराजू को समझना आसान होगा कि नहीं होगा? और हम इनसे कहते हैं और पूरी दयानतदारी के साथ कहते कि तलाक इंसाफ का नाम है, तलाक जुल्म का नाम नहीं है। और इनसे पूछिए कि इस्लाम ने तलाक देने की तरगीब नहीं दी बल्कि इस्लाम ने इमरजेंसी के तौर पर एक मियां बीवी की जिंदगी में तलाक का रास्ता रखा है
आप हवाई जहाज पे चढ़ते हैं तो आपको इमरजेंसी डोर का पता बताया जाता कि नहीं बताया जाता, ट्रेन पे चढ़ते हैं तो इमरजेंसी विंडो रहती कि नहीं रहती। हादसा कभी भी पेश आ सकता है, अगर आए तो निकलने का रास्ता दोगे कि नहीं दोगे। एक लड़की बंबई की, लड़का पटना का, किसी ने किसी को नहीं देखा, निकाह कर दिया, दोनों दोनों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कभी ऐसा होगा कि मर्द बीवी की जरूरत को पूरी नहीं कर सकता, कभी ऐसा होगा कि औरत की जिंदगी का रुख मर्द के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो क्या तुम्हारा कानून यह कहेगा कि दोनों चाहे जैसा हो घुट घुट कर मरे और घुट घुट कर जिंदगी गुजारे, या इंसाफ का तकाजा यह है कि एक इमरजेंसी गेट को खोल दो ताकि घुटने के बजाय रास्ता बदल दे और दोनों सुख की जिंदगी गुजारने का तरीका इख्तियार कर ले। बोलो, इमरजेंसी इंसाफ है या घुट घुट कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना इंसाफ है? आज समझाइएगा कि नहीं समझाइएगा? और मेरे भाई, हम लोग कहते हैं कि कौन मुसलमान तलाक को पसंद करता? क्या कोई नबी ने पसंद किया? क्या मुफ्ती सैयदुर रहमान ने पसंद किया? नहीं, सब ने कहा कि तलाक तमाम दुनिया की चीजों में जो अल्लाह ने जायज किया खुदा की नजर में सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। और हमने ऐलान किया और पैगंबर की जबानी बताया कि नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बिला सबब तलाक का जुमला इस्तेमाल करता तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता और अल्लाह से फरियाद करता कि रब्बे करीम, जब तक तेरा अजाब इस बंदे पर नहीं उतरेगा मुझको सुकून नहीं मिल सकता। जो तलाक इतना नापसंदीदा हो हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन बताओ इमरजेंसी दौर के लिए आज उसकी समाजी जरूरत को महसूस करते कि नहीं करते? आप खूब खूबसूरत घर बना लीजिए और माशाल्लाह टाइल्स लगा दीजिए, पत्थर सजा दीजिए, लेकिन अगर उसमें बैतुल खला नहीं हो तो बोलो वो घर नामुकम्मल होगा कि नहीं होगा? क्या कोई आदमी बैतुल खला में जाके बैठ के बिला वजह सुनता है क्या? अरे बोलो ना। लेकिन हर अच्छे से हर अच्छे घर की ये जरूरत है कि नहीं? अरे बोलो ना, है कि नहीं है? तो आज तलाक नापसंदीदा जरूर है, लेकिन समाजी जिंदगी की तकमील बगैर तलाक के नहीं हो सकती। और जिस तरह किसी अच्छे से अच्छे घर की तकमील बगैर बैतुल खला के नहीं हो सकती, जिसको कोई पसंद की निगाह से नहीं देखता, वैसे ही तलाक के बगैर इसकी तकमील नहीं हो सकती है। हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन एक जरूरत तस्लीम करके उसकी वकालत करते हैं। और आप बताओ, तलाक का कानून कुरान में उतरा कि नहीं उतरा? अरे उतरा कि नहीं उतरा? और निकाह का कानून कुरान में उतरा कि नहीं उतरा? आज अगर सूरह तलाक कुरान में नाजिल हुई और सूरह निसा कुरान में नाजिल हुई, तो कोई हमसे तलाक का कानून छीने, कोई हमसे निकाह का कानून छीने, तो बोलो ये कुरान पाक की सूरह के छीनने के बराबर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? क्या हम कुरान की सूरह छीनने देंगे? क्या उसकी आयत का सौदा करेंगे? नहीं। और हमने तो इनसे कहा कि सुनिए, आप काहे कलेजा पीटते हो मुसलमान बेटी के लिए और काहे हल्ला करते हो कि मुसलमान की बेटी तलाक की वजह से मजलूम है? जरा किताब को खोलो और देखो कि आज तलाक की सर्वे करके कि आज तलाक की फीसद किस कौम के अंदर सबसे ज्यादा है। आज सर्वे रिपोर्ट सरकार ने 2011 में तैयार कराया, जो मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट है, यह ताजा सेंसस रिपोर्ट है। आप ईमानदारी से इसको कहो कि अपनी रिपोर्ट खोलकर बताओ कि आज किस समाज के अंदर तलाक का रेशियो सबसे ज्यादा है। आज इसकी रिपोर्ट कहती कि आज सबसे ज्यादा तलाक का रेशियो हिंदू समाज में है, आज सबसे ज्यादा तलाक का रेशियो उसके बाद आज ईसाई समाज में है, आज उसके नीचे सिख समाज में है, उसके नीचे पारसी समाज में है, और पांचवें नंबर में इसका सर्वे मुस्लिम समाज में है। तो आज जिसकी फुंसी है उसका ऑपरेशन हो रहा है और जिसका भूखंडे है उसको पूरी छुट्टी दिए हुआ है। बोलो ये जुल्म और नाइंसाफी है कि नहीं? हमने कहा कि उसमें तो तलाक का कानून रहेगा और मुस्लिम समाज से तलाक का कानून टूटेगा, जहां तलाक का रेशियो सबसे कम है। याद रखो, ये तुम्हारा फतवा जालिमाना, मुजरिमाना,
اور اس قوم کو زمین پر پریشان کرنے والا فتویٰ ہے جو قابل قبول نہیں ہے. ابھی ہائی کورٹ الہ آباد کے جسٹس سمیت جی نے فتویٰ دیا اور لوگوں نے اس کو آج سوشل میڈیا پہ دیکھا, اخبار میں آیا. کل تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب فیصلہ ہو گیا. ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا تین طلاق قانون لاگو. ہم نے کہا کہ ذرا برداشت سے کام لیجئے, سمیت جی نے اپنا تبصرہ کیا. اور لوگوں, بہت سارے ہندوستان میں لوگ وہ ہیں جو کمزور پہ تبصرہ کرنا آسان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم آج میرے تبصرے سے میرے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی, میرا بگاڑ نہیں سکتی. وہ جج محترم ہے, ان کا اس ملک میں سمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑے شخصیت کی زبان ایک بہت ہی احترام کے ساتھ کھلنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے زبان سے جو بات نکلتی ہے ملک اس کو احترام کی نظر سے دیکھتا. اگر کوئی کمنٹ کرنا ہے, اپنی ذاتی رائے بولنی ہے, اس کے لیے بہت ساری مجلسیں ہیں. لیکن ایسے حالات میں جب قوم جل رہی ہے, جب مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے شریعت کی دعائیں مانگ رہے ہیں, جب ملک کے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے, بولیے ایک جج کا اس موڑ پر زبان کھولنا کیا اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. میں ایسے تمام لوگوں سے جو ہندوستان کے باسیوں سے محبت کرتے, جن کو ہندوستان کی دھرتی سے پریم ہے, جو اس ملک میں سکون دیکھنا چاہتے اور ہندوستان کے ایک ایک ناگرک کو انصاف کے ساتھ جینے کا حق دینا چاہتے, میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ مشکل حالات میں زبان کا استعمال, قلم کا استعمال پورے احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر یہ بات پیدا ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کے فلاح کے حق میں ہوگا. آج حلہ کیا جا رہا ہے اور سرکار جو سوشل سائٹ پہ اور ڈیویس کے ذریعے مسلمانوں کا چہرہ دکھا رہی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان کا صرف دو کام ہے. ایک کام ہے چار شادی کرنا, اور دوسرا کام ہے تین طلاق دے کے بیوی کو چھوڑ دینا. آج یہی چہرہ مسلمانوں کا دکھایا جاتا. بولو اس میں سچائی ہے؟ ارے ہے. سب سے زیادہ تو پیسہ بمبئی میں لوگ کہتے ہیں. آپ اس مجمع میں مسلمان بیٹھے ہو, ایمانداری سے بتاؤ کہ کس کے پاس چار بیوی ہے؟ ارے کسی کے پاس ہے؟ ارے نہیں ہے. جب ملک کے وزیر اعظم ہی کے پاس ایک بیوی نہیں ہے تو ہندوستان کی پبلک کہاں سے چار بیوی رکھے گی؟ ارے رکھ سکتی ہے. اور جب ان کے پاس ہی پیسے کا اتنا قحط ہے کہ اسی کے لوگ آج لائن میں کھڑے ہیں, تو ہندوستان کی یہ مسلم قوم جس کے بارے میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی کہ یہ قوم آج پیسے میں سب سے پچھڑی ہے, تعلیم میں سب سے پسماندہ ہے, اور ہندوستان کی سماجی زندگی میں آج اس کی زندگی دلت سے بھی بدتر ہے, آج رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کہتی, آج سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی, تو جو قوم اتنی مجبور ہوگی, جو قوم اتنی پسماندہ ہوگی, کیا بتاؤ وہ چار بیوی رکھ کر عیش کر سکے گی؟ ارے بولے رکھ سکے گی؟ نہیں. ان کو بلا کے لائیے, دعوت دیجیے اور کہیے کہ آپ بتائیے کس کے گھر میں چار بیوی ہے. ارے تین بیوی ہے, ارے دو بیوی ہے, نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بولو آج ہٹلر کے طرح جس جھوٹ کو بار بار میڈیا میں دہرایا جاتا, کیا اس کے لیے اس کا بازو پکڑا جانا چاہیے کہ نہیں پکڑا جائے؟ آج یہ قوم تو اتنا پیچھے ہے کہ جس ایک بیوی کو اس نے رکھا ہے آج اسی کا حق اس سے پورا نہیں ہو رہا ہے. اگر عید میں فرمائش کرتی ہے تو محرم میں جا کے پورا ہوتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ کہاں سے 10 بیوی لے کر عیش کرے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام نے چار بیوی کا فتویٰ دے کر بیوی کے تعداد کو بڑھانے کا کام کیا. آج ان سے پوچھو کہ اسلام نے بڑھانے کا کام نہیں, بلکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اس تعداد کو سب سے کم گھٹانے کا کام کیا. ارے کیا کہ نہیں کیا؟ آج بتاؤ اسلام کے آنے سے پہلے ہزاروں ہزار کی تعداد میں لونڈی اور رکھیل لوگ لگتے تھے کہ نہیں لگتے تھے؟ اور ان کے دھرم میں جھانک کر دیکھو, بولو کرشن جی کے یہاں 16,000 داستائیں ان کے گھر میں تھی کہ نہیں تھی؟
और जिस राम जी को ये मानते हैं इनसे पूछो कि राजा दशरथ के यहाँ 3 और 4 बीवी थी कि नहीं थी। अरे बोले रहे थी कि नहीं थी। तो हमने अगर कटौती की तो आप हमारा ही बाजू पकड़ते हो, और जो 16,000 की तादाद लेके आ रहे हो बोलो अगर हमने उसको कम किया तो हमको इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और हमने तो मजबूरी में रखा, और ये नहीं कहा कि कोई मुसलमान जब चाहे 4 बीवी करे जब चाहे 3 बीवी करे। यहां तो इस्लामी कानून इतना सख्त है कि 1 बीवी का मसला भी मुसलमान के लिए काबिल गौर है। मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, ऐसे फतवा पूछो। अगर कोई मर्द ये समझता है कि मैं अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ूंगा और मैं उसका हक पूरा नहीं कर सकता, चाहे मर्दांगी के एतबार से हो चाहे खर्चे के एतबार से हो, और इस बात का उसको यकीन हो जाए तो उस मर्द के लिए 1 निकाह करना भी हराम हो जाता है। बोलो जो इस्लाम 1 निकाह को हक नहीं पूरा होने की सूरत में हराम करार देता, क्या वो 2 की इजाजत देगा, क्या 3 की इजाजत देगा? उसने कहा है मर्दों सुनो, इंसाफ का तराजू अपने हाथ में लो। अगर तुम्हारे जज्बे में ये बात है कि दूसरी शादी करो तो खबरदार, अगर तुमने किसी का हाथ पकड़ा तो हाथ पकड़ने से पहले सोचो कि अगर राई के दाना के बराबर भी तुमको यकीन हो जाए कि तुमसे इंसाफ नहीं होगा तो याद रखो दूसरा निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकता है। बोलो जो इस्लाम 2 और 3 निकाह के बारे में इतना सख्त कानून रखता, क्या वो 4 की धड़ल्ले से इजाजत देगा? अरे बोले रे देगा। और जो पादरी और पंडित और जो हिंदुस्तान का सियासी ये बाबा धाम आज जो ऐलान करता, आप ईमानदारी से बताओ कि सरासर झूठ है कि नहीं है? और हमने कहा कि आप 4 शादी के बारे में मुसलमान ही की गर्दन पे क्यों हाथ डालते हो? जरा अपने दामन को झांक के देखो और निकालो सेंसस रिपोर्ट। इन्होंने सन 2011 का सेंसस रिपोर्ट निकाला, उसको इन्होंने देखा, आज वो रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा 1 से ज्यादा शादी की शरह हिंदू बिरादरी में है, नंबर 2 सिख बिरादरी में है, नंबर 3 ईसाई बिरादरी में है, और 4थे नंबर पर मुस्लिम बिरादरी में है। आज बताओ कि मुसलमान 4थे नंबर पर, तो आज उसका ऑपरेशन और आज उसके चेहरा को दागदार करने का नापाक मंसूबा सबसे आगे है, तो बताओ इस कौम के ऊपर जुल्म और अत्याचार है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और हमने कहा कि आज अगर 4 और 2 तुम रखे हो तो ये भी कम है। जितना तवायफ का अड्डा है, जितना होटल के दरवाजे हैं, अल्लाह की कसम आज बंद कर दो, 10-10 बीवियां तुम रखने पे मजबूर हो। अरे होगा कि नहीं होगा? हम तो हलाल रास्ता चुनते हैं तब ये हाल है, और तुम्हारे लिए तो 64 दरवाजे खुले हैं, और इन्होंने बड़ी चालाकी से हराम के लिए रास्ता खोल दिया है। आप इनका कारनामा सुनिएगा तो आपको समझ में आएगी कि अकल यहां है कि यहां। इन्होंने कहा कि अगर कोई मर्द इज्जत के साथ किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़ता है तो ये करना जुर्म है, लेकिन अगर आज रिलेशनशिप के नाम पर और आज फ्रेंडशिप के नाम पर आज अगर 10-10 औरतों को रखेल बना के रखता तो हिंदुस्तान का कानून उसकी इजाजत देता है। बोलो पाकीजा तरीके पर अगर 2 बीवी कोई रखे तो हराम, और नाजायज तरीके पर अगर 10 को रखेल बनाकर रखे तो जायज, क्या ये फतवा हमारे लिए काबिल कबूल है? अरे बोलो ना है। हाँ, ये कहता कि सुनो 18 साल से कम लड़की का निकाह करोगे तो जुर्म हो जाएगा, और 16 साल की लड़की को गर्ल फ्रेंड बना के रखोगे तो कानून तुमको हिफाजत देगा। बोलो ऐसा उल्टा कानून दुनिया के भी देखे हो? हम ऐसे कानून को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारा कानून जो अल्लाह का है और जो इस्लाम ने हमको दिया उसमें कहीं जुल्म नहीं है, इंसाफ ही इंसाफ है। ये 1.5% बेटियां चल के ऊपर तुम मजलूमियत के बात कह रहे हो, याद रखो ये बेटियां हमारी है, हमने हमेशा इनके आंसू पोछे हैं और आज भी इनका आंसू पोछना हम जानते हैं। याद रखो
इसके नाम पर अगर तुम ऐसा कार्ड खेलना चाहते जैसे इस मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों का हक छीना जाए, तो याद रखो ये कौम किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इंशाअल्लाह हमारा ये जज्बा रहेगा और हम इसी यकीन के साथ और ईमान के साथ इंशाअल्लाह इस मुल्क में जिएंगे और ऐलान करेंगे कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। ये ना होगा हमसे हरगिज कि नबी का जाहो जलाल देंगे। बहुत अच्छा। अल्लाह अगर ये यकीन अता कर दे तो इनकी मक्कारी भी समझ में आएगी, इनका झूठ भी समझ में आएगा। अभी भावनगर गुजरात में जब मुस्लिम बेटियों ने हक का नारा लगाया तो यशोदा बहन भी आ गई और उन्होंने भी इनके साथ खड़े होकर नारा लगाया और कहा कि सुनो हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने नारा दिया कि मुस्लिम बेटियों इस प्रधानमंत्री जी से कह दो कि जो प्रधानमंत्री 40 साल से अपनी एक बेटे एक बीवी को इंसाफ नहीं दे सका, वो मुल्क की लाखों बेटियों को कहां से इंसाफ दे सकेगा। इसलिए सच्चाई अपने को मनवाती है और सच्चाई अपने को मनवा कर रहती है। इंशाअल्लाह आप बेदार रहेंगे, आप चौकन्ना रहेंगे, अपने बड़ों के साथ रहेंगे। मुफ्ती सईदुर रहमान साहब, हमारे जनाब मौलाना महमूद साहब दरिया आबादी और हमारे सेक्रेटरी साहब खैरुद्दीन खान साहब हैं और हमारे मौलाना अब्दुल रशीद नदवी साहब, ये काफिले हक को सलामती जिसका चिराग यहाँ जला है, अगर आप ऐसे नारों पे लब्बैक कहते रहेंगे और जिस तरह दस्तखती मुहिम ने इनकलाबी अंदाज में आपने बेदारी का सबूत दिया, अगर उसी तरह बेदार रहेंगे तो अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई हमारे हक को हमारे हाथ से नहीं छीनेगा। और मामला अदालत में है, अदालत के सामने आज 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बात हैं। इस मुल्क का माजी भी है, इस मुल्क का हाल भी है और इस मुल्क का मुस्तकबल भी है। अदालत से इंसाफ मिला है और इंशाअल्लाह हमें भी इंसाफ मिलकर रहेगा। वो अदालत जिसने हमारे बहुत सारे उन नौजवानों को जो जेल की सलाखों में बंद थे, बोलो उसके दरवाजे से इंसाफ मिला कि नहीं मिला। आज अगर हमारा मामला अदालत की चौखट पर है तो जो आईन मुल्क का कहता और जो इस मुल्क की चीजें हमको हक देती, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालत से उसका तहफ्फुज होगा और हम इस मुल्क में अपने सजदे के निशान के साथ, अपने मस्जिद के मीनारों के साथ, रसूल की सुन्नत के साथ, अपनी पेशानी के ताक के साथ इंशाअल्लाह रहेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन दीन से दस्तबरदारी को कबूल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हाथ उठा के कह दीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके दिल के दरवाजे को खोल दे। लेकिन लोगों आप ये बताओ कि अगर हमने उनके साथ लड़ाई ठानी है तो जो नुकसान हमको अपने घर से पहुंचा है क्या उसकी भी तलाशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े कर्ब के साथ कहता कि एकाध दो जो मुस्लिम बेटी बहक कर आज उस चौखट पे गई है, ईमानदारी से बताओ कि ये भी किसी मुस्लिम लेबल वाले खानदान की है कि नहीं है। आज अगर वो चौखट पे नहीं जाती तो आज किसी को जबान खोलने की जरूरत नहीं होती। ये अलग बात है कि आज जो मसला उठा है ये मुस्लिम बेटी की वजह से नहीं बल्कि उन बेटियों की वजह से उठा जिनका नाम भी मुसलमान नहीं बल्कि फूलवती उसका नाम है और उसका शौहर प्रकाश है और उसका मुकदमा अदालत में गया। वहां तरका और मीरास का ना मसला था, कोई तलाक निकाह का नहीं था, जज साहब ने उसका फैसला सुनाया और उसी कागज पे औंगली डाल के उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया कि जिस तरह ये बेटी आई है मीरास के बारे में कहने, वैसे ही मुस्लिम समाज में तलाक के नाम पर बेटी पर जुल्म हो रहा है। बोटो मारे घुटना फूटे सर, कहां गई कोई खदीजा, कहां गई कोई ऐसा मामला फूलवती का, मामला प्रकाश का, और कलम चल रहा है मुसलमान के तलाक पे। और जो बहादुर पहले से तैयार बैठा था जैसे ही उसको अदालत का शोशा मिला माशा अल्लाह इसने मोज पे ताव दिया और कहा कि बैठे बैठे एक एजेंडा हाथ आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आज इनको समझाइए
कि ये सारी चीजें जो हो रही है इन सब के पीछे याद रखो खैर की नीयत नहीं है, लेकिन अल्लाह मेहरबान है, हम दो काम करने की कोशिश करेंगे। एक काम तो ये कि मेरा यकीन है कि सबसे ताकतवर कलम अल्लाह के हाथ में है, अरे बोलो है कि नहीं, और सारी दुनिया के तकदीर का मालिक अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी की फलाह के लिए खाली हुकूमत के चौखट की तरफ, खाली अपने कुव्वत बाजू की तरफ नहीं बल्कि मेरी कुदरत की तरफ भी देखो। मैं वो कुदरत वाला खुदा हूं कि रोजाना तुम्हारे सामने रात काले के पेट से दिन का सूरज तुलू करता हूं और दिन के तुलू होने वाले सूरज के ऊपर रात की स्याही डालकर रात की चादर को तान देता हूं। जो अल्लाह रोजाना रात की तारीकी से चमकता हुआ सूरज निकालता, क्या वह हमारे तहफ्फुज़े शरीयत का सूरज नहीं उगा सकता? और अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी कुदरत को पहचानो, युखरजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरजुल मय्यित मिनल हय्य, मैं तो रोजाना जिंदा के पेट से मुर्दा और मुर्दा के पेट से जिंदा को निकालता। जो अल्लाह ऐसी कुदरत वाला है, क्या ऐसे मुर्दा हुकूमत के पेट से तुम्हारी जिंदगी का इंतजाम कर सकता कि नहीं कर सकता? लोगों बताओ, अल्लाह अपनी कुदरत का तमाशा दिखाता और रोजाना जिंदा मुर्गी के पेट से मुर्दा अंडा निकालता कि नहीं निकालता, और मुर्दा अंडा के पेट से जिंदा चूजा बाहर करता कि नहीं करता? कहता है कि भटकते कहां हो, मेरी कुदरत का तमाशा देखो, उस पर यकीन करो। अगर तुम मेरी कुदरत को पकड़ लोगे और यकीन के साथ मेरी दामन को थाम लोगे तो अब अगर जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा को निकालकर और मुर्दा अंडा के पेट से जिंदा चूजा को बाहर कर सकते तो सिया रात से भी चमकता सूरज निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो करना क्या है, जब आदमी समंदर में चलता है और कश्ती बहुत अच्छी चलती है तो बांसुरी बजाता है, गाना गाता है, और जब देखता है कि मौज उठी और कश्ती डगमगाने लगी तो हु अल्लाह का नारा लगाता कि नहीं लगाता? आज भी तुम्हारी कश्ती गर्द आब में है और जालिम का हाथ, जो बहुत ताकतवर हाथ है, आज शरीयत को तुमसे छीनना चाहता तो क्या हु अल्लाह का नारा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो सोचो कि आज भी कम से कम मेरी पेशानी खुदा के सामने झुक कर मेरा हाथ अल्लाह के सामने उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? तय करो कि शरीयत की हिफाजत की भी खुदा के दरवाजे पर मांगेंगे। और जिस मजमे में बैठने वाला एक एक मुसलमान ये तय करो इंशाअल्लाह कि आज के मुश्किल हालात में मेरी पेशानी खुदा के सामने झुकेगी और हम अल्लाह से उसकी दीन की हिफाजत की भीख मांगेंगे। बोलो अगर ऐसा जज्बा हुआ तो क्या वो कुदरत वाला मालिक हम पर मुतवज्जो होगा कि नहीं होगा? तो क्या इंशाअल्लाह बांसुरी बजाने के बजाय आज खुदा के तरफ भीख मांगने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? और दूसरा काम क्या है कि जो अल्लाह ने शरीयत हमको दिया इस पर कौन चलेंगे? मुदी कि हम चलेंगे, बोलो ना। आज ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप रात तन्हाई में तकिया पे सर रखें और अल्लाह की कसम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पे गौर करें तो आपका जमीर आपको मलामत करेगा कि 75% शरीयत का हिस्सा वो है जो आज तक मेरी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ। लोगों बताओ, शरीयत के माना रास्ता क्या आते हैं, और रास्ता चलने से जिंदा रहता, और जब कोई कौम किसी रास्ते को छोड़ देती है तो बोलो वो रास्ता मुर्दा होगा कि नहीं होगा? आज अगर शरीयत को बचाना है तो कसम खा के जाओ कि इंशाअल्लाह हम खुद आज से शरीयत पर चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे सर पर शरीयत की पहचान होगी, मेरी पेशानी पे सजदे का दाग होगा, मेरी आंख वो देखेगी जिसको देखने का खुदा ने हुक्म दिया है। आज सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान आज अपने आंख की पुतली को मोबाइल के स्क्रीन पे नापाक कर रहा है, आज वो फिल्म थिएटरों में जाके अपने इस आंख की पुतली पे गंदगी के धब्बे लगा रहा है। अगर मेरा समीर पाक है तो लोगों बताओ क्या हम नहीं कह सकते कि रब्बे करीम जो आंख इतनी पाकीज़ा थी, क्या इसको नेट पर ब्लू फिल्में देखकर गंदी तस्वीरों से इसको सेक कर क्या इस आंख पे दाग लगाएंगे? बोलो अगर इस आंख पे दाग लगेगा तो दूसरा तुम्हारी आंख को बदनाम करेगा कि नहीं करेगा? आज तय करो कि आप गलत नहीं,
नहीं देखेगी, जबान झूठ नहीं बोलेगी, हमारे हाथ किसी को धक्का देकर नहीं गिराएंगे, हमारे हाथ से किसी पर जुल्म नहीं होगा, हमारे पैर कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। ए रब्बे करीम, ये आंख इसलिए नहीं है कि किसी को गलत देखे, ये तो इसलिए है कि कोई नाबीना अगर गड्ढे में गिर रहा है तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा हाथ इसलिए नहीं कि किसी को धक्का देकर गिराए, इसलिए है कि किसी गिरने वाले को बचाने की कोशिश करें। हमारे हाथ का काम किसी के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीनना नहीं, बल्कि उस इंसान से जो भूखा है उसको खिलाना है। हमारा हाथ किसी का कपड़ा उतारने के लिए नहीं, बल्कि नंगे को कपड़ा पहनाने के लिए है। मैं गुजारिश करूंगा कि आज इस बात का इरादा कर लो, चाहे हमारी शादी हो, चाहे हमारा निकाह हो, चाहे हमारा तरीके तलाक हो, चाहे शरीयत का जो भी हिस्सा हो, आप अगर कुरान पे चलोगे, खुदा की कसम दुनिया के किसी को कुरान पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। आज यहां बॉम्बे में दारुल कजा का निजाम कायम है, आपके इस नागपाड़ा में भी है, हमारे काजी फैयाज साहब काजी है, हमारे काजी अब्दुल्ला साहब थाने में काजी है। लोगों बताओ, ये इस्लामी अदालत, ये खुदा का वो दरबार जहां कुरान के मुताबिक हदीस के मुताबिक फैसले होते, आज अगर आप अपनी जिंदगी के मामलात को यहां पेश करेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ मिलेगा। जो जीतेगा वो भी सवाब पाएगा, जो हारेगा वो भी सवाब पाएगा, और आपके घर का मामला इज्जत और आबरू के साथ आपके घर में निपटेगा। लेकिन बताओ, अगर घर के मामले को अदालत में ले जाओ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, तो बोलो दुनिया के सामने तुम्हारी तस्वीर नंगी होगी कि नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कसम देता हूं और आपके दिल पर चोट लगाता हूं कि आज के बाद ये तहिया कर लो कि रब्बे करीब, हमने खुद जाकर दूसरे के यहां अपने को बेआबरू किया, आज के बाद मेरे जितने मसाइल होंगे, मेरे घर के जितने मामलात होंगे, हम घर में बैठ कर हल करेंगे, उलमा से मशवरा लेकर हल करेंगे, अगर नहीं हो तो दारुल कजा की चौखट पर हल करेंगे। लेकिन रब्बे करीब, हम दूसरे के दरवाजे पर जाकर बेआबरू नहीं होंगे। आज ये दारुल कजा के निजाम पर उंगली उठती, लेकिन मैं कहता हूं कि दारुल कजा का निजाम मुल्क के मुसलमानों के लिए नेमत है और हिंदुस्तान के हुकूमत के लिए खुदा की रहमत है। ये किसी अदालत के मुकाबिल नहीं, बल्कि उसके मुआविन है। हमारे काजी फैयाज साहब ने किताब लिखी, आज किताब में पढ़िए कि 3.5 करोड़ से ज्यादा मामलात आज सरकारी अदालत में पेंडिंग में है। बोलो, अगर हम पंचायत की सतह पर बैठकर अगर लोगों के मसाइल को निपटाकर अदालत की मदद करते हैं तो हिंदुस्तान के हुकूमत की मदद है कि नहीं है? और आज सरकार छोटे छोटे पंचायत की सतह पर आज छोटे छोटे कैंप लगाकर इन मसाइल को हल करती, आज बोलो सरकारी हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल है कि नहीं है? सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल है कि नहीं? तो सरकारी अदालतों के साथ आपके बड़ों ने जो ये निजाम बनाया, खुदा की कसम ये अल्लाह की रहमत है। सर 1921 में इमारत शरिया के बानी हजरत मौलाना अबुल मुहासिर मोहम्मद सज्जाद साहब ने इसको जिंदा किया, और आज उसकी बरकत है कि मुल्क के कोने कोने में इसकी शाखें खुल रही है। मफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब, जो इमारत शरिया के अमीर शरियत ऑल इंडिया मुस्लिम तसल्ला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है, और ये हजरत जिनके रफीके कार है, आज पूरे दिल और दिमाग के साथ तहफ्फुज के शरीयत के लिए मैदान में खड़े हैं। आप साथ देंगे, इनका हाथ मजबूत होगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क में शरीयत का तहफ्फुज होगा। हम सब साथ होने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान और यकीन के साथ, शरीयत के साथ जिंदा रखे, मौत अता फरमाए तो ईमान और यकीन और शरीयत के तहफ्फुज के जज्बे के साथ अता फरमाए।